हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ प्रोफेशनल करुणा चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबॉर्शन की डेफिनेशन, कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन। सो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, सो आई सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप से, दैट इज थ्रेटेंड मिसकैरेज, जो कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको स्पॉन्टेनियस जो टाइप है उसके अंडर आ जाएगी फर्स्ट हमारे पास थ्रेटेंड मिसकैरेज, ठीक है। सो अभी इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। सो मेन जो थिंग है वो क्या है, थ्रेटेंड अबॉर्शन या थ्रेटेंड मिसकैरेज एक वो कंडीशन होती है पेशेंट की जिसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि रिकवरी नहीं हो पाएगी, पेशेंट जो है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इस केस में कंटिन्यू हो सकती है प्रेगनेंसी अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए। डेफिनेशन पे क्या याद रखना है कि इट्स अ क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज मीन्स ये वो प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है कि कंडीशन सिवियर कंडीशन जो है वो खराब होती है पेशेंट की, बट उस यूनो स्टेट तक नहीं पहुंचता जहां से रिकवरी जो है इम्पॉसिबल है, मीन्स इसका ट्रीटमेंट है थ्रेटेंड का, ठीक है। सो अगर मैं साइलेंट सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट का क्या देखेंगे, जब पेशेंट डायग्नोज हो जाएगा थ्रेटेंड मिसकैरेज से या थ्रेटेंड यूनो कंडीशन से, तो हम लोग देखेंगे ब्लीडिंग पर विजाइना, मतलब विजाइना से जो है वो ब्लीडिंग हो रही होगी। ये जो ब्लीडिंग होगी दैट इज, ठीक है, कैसी होगी, ब्राउनिश होगी, ठीक है, या फिर ब्राइट रेड इन कलर होगी। अगर मैं पेन की बात करूं तो जो पेशेंट को पेन होगी वो लोअर एब्डोमेन में पेन होगी, ठीक है, प्लस माइल्ड बैक एक होगी, ठीक है। सो पेशेंट के दो मेन आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, दो मेन क्लिनिकल फीचर्स में आप लोग देखोगे, ब्लीडिंग होगी वजाइना में से जो कि यू नो ब्राउनिश इन कलर या ब्राइट रेड इन कलर होगी, और पेन होगी पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में और माइल्ड बैक एक होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पेशेंट की पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक पेल्विक एग्जामिनेशन में हम लोग दो टाइप से एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या तो हम वजाइनल स्पेकुलम यूज़ करके एग्जामिनेशन करेंगे पेल्विस की, या फिर डिजिटल एग्जामिनेशन करेंगे। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जो ब्लीडिंग है वो सर्वाइकल रीजन से हो रही है, थ्रू एक्सटर्नल ऑस हो रही है। अगर डिजिटल एग्जामिनेशन करेंगे तो डिजिटल एग्जामिनेशन में हमें रिवील होगा कि जैसे हमें पता लगेगा कि पेशेंट का जो एक्सटर्नल ओस है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है, पेशेंट एमेनोरिया स्टेज पे है, ठीक है। प्लस डिजिटल एग्जामिनेशन में हम लोग करेंगे, इसमें हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी आ जाती है, वो ज़्यादा अच्छी बेटर होती है टू डायग्नोस। तो अगर हमारे पास डिजिटल अवेलेबल है तो हम लोग स्पेकुलम को इतना नहीं करते हैं, पेल्विक्स रीजन है वो सॉफ्ट होता है डिजिटली। नेक्स्ट हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट में हम लोग HB, हीमेटोक्रिट लेवल, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें जो है हम लोग चेक करेंगे टू आइडेंटिफाई द, मतलब क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है वजाइना में से, सो हम लोग ये सब कुछ आइडेंटिफाई करना होगा ताकि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। और हम करेंगे यूरिन टेस्ट इतना ज़्यादा वो यू नो इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फीटस की डेथ हो जाती है, फीटस एक्सपेल हो जाता है, बट स्टिल जो यूरिन टेस्ट है उसमें पॉजिटिव आता है, मतलब HCG का जो हार्मोन हम लोग चेक करते हैं तो उसमें पॉजिटिव आता है, तो जिसकी वजह से ये इतना इफ़ेक्टफुल नहीं है। सो हम लोग ब्लड टेस्ट करके ये सब कुछ डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग क्या चेक करते हैं, गेस्टेशनल सैक को, गेस्टेशनल रिंग की फॉर्मेशन को, ठीक है, फीटस की कार्डियक मूवमेंट्स को, कि मूवमेंट्स हो रही हैं, हार्ट रेट फीटल की चल रही है या नहीं चल रही है, वो सब कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर तो पेशेंट के मतलब फीटस की कार्डियक मूवमेंट्स, ठीक है, नॉर्मल है, प्लस अगर पेशेंट की अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमारे पास गेस्टेशनल सैक प्रॉपर है, ठीक है, गेस्टेशनल रिंग बन रही है,
तो उसका मतलब क्या है कि पेशेंट का जो फीटस है मतलब बेबी है जो दैट इज पॉजिटिव, तो अच्छा है, बिल्कुल सही है। उस केस में हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, तो हम इस स्टेज को कवर रिकवर हो सकता है पेशेंट। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट क्या देना है, प्रॉपर रेस्ट देनी है, क्योंकि पहली बात तो ब्लीडिंग हो रही है तो वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने पेशेंट को टोटली रेस्ट पे रखना है, ठीक है। प्लस हम लोग ड्रग दे सकते हैं डाइजीपैम 5 mg BD, BD मीन्स ट्वाइस अ डे, ओके। सो डाइजीपैम ड्रग देनी है। उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को, तो उसको एडवाइस क्या करना है कि अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिटाइज करना है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी, ठीक है, इंटरकोर्स अवॉइड करना है। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी 3 to 4 weeks में रिपीट करवानी है, ठीक है। इस पूरी थ्रेटेंड मिसकैरेज, अगर मान लो कि जो पेशेंट है, जो मदर है, वो कंसीव करनी है, कंटिन्यू कर रही है प्रेगनेंसी, बट इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेशेंट को आ सकती हैं। वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? प्रीटर्म लेबर हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को IUGR हो सकता है, मीन्स इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, जिसमें फीटस की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती, या फिर फीटस को कोई भी अनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। सो ये डायग्राम है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये दिस इज यूट्रस, ठीक है, यहाँ पे यूट्रस की जो लाइनिंग है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास सर्विक्स रीजन हो जाता है, यहाँ पे ओस होती है, ठीक है। ये जो है आपके जो ये जो आपको रेड वाला यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज फीटस, यहाँ पे जो है ब्लीडिंग कर्वजाइना से स्टार्ट होगी, तो ये इस तरह से थ्रेटेंड अबॉर्शन में होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्रेटेंड मिसकैरेज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।